व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक अनदर फोटोशॉप ट्यूटोरियल। सो आज का ट्यूटोरियल फोटोशॉप में कैसे सबसे इजी एंड फास्ट गैलेक्सी लोगो क्रिएट किया जाता है, हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। सो ये रहा कुछ एग्जांपल। सो लेट्स रोल द इंट्रो। सो दिस इज आवर इमेज। नाउ इस इमेज को डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, हिट ओके। देन यहाँ से थ्रेशोल्ड को ऑन करेंगे और ये जो वैल्यू, इसको अगर पूरा पूरा कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, कम करेंगे तो वाइट रहेगा। तो इसको अराउंड 70 के अंदर रखें, 70 ठीक रहेगा। यहाँ पे आके अब इसको क्लोज कर देंगे और ये जो दो लेयर, इसको पकड़ के मार्ज कर देंगे। ओके नाउ अभी मुझे एक ऐसा इमेज मिल गया। ओके इसके बाद यहाँ से फाइल से न्यू, यहाँ पे जो साइज है 920 और ये जो नीचे का साइज है 2600। आपको जैसा अच्छा जैसा टाइप का आपका लोगो चाहिए उसके हिसाब से आप साइज ले लीजिए, हिट ओके कर दीजिए। ओके अब एक न्यू पेज खुल गया। अभी ये जो ब्लैक पोर्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट से कलर रेंज, मेरा कलर रेंज, और ये जो ब्लैक कलर इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करके ये जो फजीनेस है इसको पूरा 200 रख के हिट ओके कर देंगे तो एक ब्लैक कलर सिलेक्ट हो जाएगा। अभी एडिट से कॉपी और यहाँ पर आके एडिट से पेस्ट, कंट्रोल से कंट्रोल भी अभी वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ना अभी इस लेयर को पकड़ के इसको स्केल करेंगे क्योंकि यहाँ पे इमेज बहुत छोटा है। ओके ये साइज ठीक रहेगा। अभी थोड़ा इसमें इसको मिडिल पे ला, इसको मिडिल पे लाना है, इसलिए इसको थोड़ा ये ठीक रहेगा सर, ठीक है। अभी हिट एंटर। ओके ना ये जो अदर एरिया है इसको डिसलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है इस साइड में, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में सर डिलीट। ओके अभी डिसलेक्ट कर देंगे। ओके ना मुझे इमेज मिल गया। अभी मुझे वो जो गैलेक्सी इमेज है वो चाहिए, तो यहाँ पे रहा इमेज, इसको ऑलरेडी सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट से कॉपी, सॉरी कॉपी, और मेरा कॉपी और यहाँ पे आके एडिट से पेस्ट, तो इमेज यहाँ पे आ गई। अभी इस इमेज का ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क इसको यूज़ करेंगे तो इमेज ये जो नीचे का इमेज का अल्फा चैनल है उसमें आ जाएगा। ओके अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल डी दबा के इसका साइज भी थोड़ा एडजस्ट करना है। अभी मूव करके देखें कहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे या ये शायद ठीक रहेगा, इतना दूर तक ठीक है। ओके इसको थोड़ा अभी ऊपर की तरफ ले जाएंगे और हीट एंटर। ओके अभी ये दोनों लेयर को पकड़ के फिर से मार्च कर देंगे, राइट क्लिक मार्च लेयर्स, और ये जो नीचे का लेयर है अभी बैकग्राउंड, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एक ग्रेडियंट लेंगे मेरा, और इसका जो कलर होगा ये ब्लैक एंड वाइट, इसको ओके कर देंगे। और यहाँ से ये जो ऊपर में स्टाइल है यहाँ से इसको रेडिकल करेंगे और जो रिवर्स करके इसका स्केल का साइज एडजस्ट करेंगे, ये ठीक है। अभी हिट ओके कर देंगे और ये जो रेड, इसको ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा ऊपर में दिस इज ओके ना। अभी इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इमेज के अंदर से या इमेज एडजस्टमेंट और देन चूज कार्व्स और कंट्रोल एम। ओके ना अभी यहाँ पे जो चैनल है, चैनल से इसको रेड चैनल ऑन करेंगे और यहाँ पे एक मिडिल में पॉइंट ऐड करके इसको थोड़ा डाउन करेंगे ताकि फोरग्राउंड के साथ बैकग्राउंड का कलर थोड़ा मैच करे, और ग्रीन चैनल को भी डाउन करेंगे, और उसके बाद जो ब्लू चैनल है, सॉरी मेरा ब्लू, और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके इसको थोड़ा अप करेंगे, ठीक है मेरा, ठीक है। ओके इसके बाद ओके कर देंगे और ये जो अभी ऊपर का लेयर है फोरग्राउंड, इसको ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक लेयर स्टाइल ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे में ड्रॉप शैडो, इसको ऑन करेंगे और शैडो का पैरामीटर ऑन करेंगे। अभी यहाँ पे डिस्टेंस जो है इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि ज़्यादा ऑड ना लगे, 6 शायद ठीक रहेगा, ठीक है। और इसके बाद साइज जो है इसको भी थोड़ा कम करेंगे, इसको 0 रखेंगे पूरा, और उसके बाद ओपेसिटी जो है इसको थोड़ा ज़्यादा करके, ठीक है, उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ओके ठीक है। अभी मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे यहाँ से टेक्स्ट टूल और यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीबी के वाइंस, VINES, ठीक है। और ये जो साइज है इसका थोड़ा, इसको साइज पर एडजस्ट करेंगे, इसके लिए कंट्रोल टी, और ये जो साइज है इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ये शायद ठीक रहेगा। इसको थोड़ा अभी पोजीशन एडजस्ट करेंगे, ठीक है, हिट एंटर। देन ये जो गैलेक्सी का इमेज है ऑलरेडी कॉपी किया है, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल पी दबाने से आ जाएगा और यहाँ से पेस्ट आ गया। अभी इस इमेज को नीचे लाएंगे लेटर के ऊपर,
और यहाँ पे सेम तरीके से क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स उसको यूज़ करेंगे। और ये जो ऊपर का इमेज है इसको फिर से कंट्रोल डी दबा के इसका साइज जो है इसका एडजस्ट करेंगे ताकि लेटर का सेम रहे, लेटर का जो साइज है उतना दूर तक रहे। ठीक है, हिट एंटर। ओके ना, अभी दोनों लेयर को पकड़ के फिर से मार्च करेंगे, मेरा मार्च। ओके ठीक, अभी इस लेयर के ऊपर फिर से ये जो ड्रॉप साइड डिस्काउंट करके हिट ओके कर देंगे ताकि लेयर के ऊपर भी शैडो आ जाए। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे सिलेक्टिव कलर डिस्काउंट करेंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके जो शैडो का जो कलर है उसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा करके हिट ओके कर देंगे। ओके ना, मुझे यहाँ पे एक ग्रेडियंट चाहिए, मेरा ग्रेडियंट मैप। और ये जो पैटर्न है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ का ये जो कलर होगा इसको थोड़ा चेंज करेंगे, आपका जो कलर अच्छा लगे ये कलर शायद ठीक रहेगा। मैं इस कलर को पिक कर लेता हूँ, हीट हो गया, यहाँ पे हीट हो गया, क्लोज करेंगे और यहाँ से इसको ओवरले या सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ मैं। और इसको ओपेसिटी जो है इसको कम करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करके देखें यहाँ पे अच्छा लगे। सो गाइस, दैट्स इट। ये जो प्रोसेस है आप लोगों ने देखा इसके यूज करके आप अपना खुद का एक ऐसा गैलेक्सी टाइप का लोगो क्रिएट कीजिए, देन आपका एक लोगो बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मुझे कमेंट में लिख के सेंड कीजिए। एंड अगर आपके वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो अभी कमेंट में लिख के मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। नाउ अगर आपके वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हो सके तो आप अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है। एंड आप अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से भी प्यार बढ़ता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।